दोस्तों आपको क्या लगता है, ये आउट था या नॉट आउट, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये आउट था और केएल राहुल का भड़कना जायज़ है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपको बता रहे हैं कि बीच मैच में आज केएल राहुल इतना भड़क गए कि उनके मुँह से गालियाँ तक निकलने लगी और वो एक समय तो एम्पायर के पास तक दौड़ पड़े। उनका इतना गुस्सा था कि अगर वो मैदान में ना होते तो शायद उनका हाथ भी चल जाता, क्योंकि थर्ड एम्पायर ने जो डिसीजन दिया उस पर विवाद होना लाजमी है। दरअसल पंजाब और बेंगलोर के बीच जोरदार मुकाबला हुआ, जिसमें बेंगलोर के बल्लेबाज देवव्रत के खिलाफ एक जोरदार अपील हुई, एम्पायर ने उसे नकार दिया और केएल राहुल ने डीआरएस ले लिया। लेकिन डीआरएस में के बाद भी थर्ड एम्पायर ने गलत डिसीजन दे दिया, गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए स्पिनर में साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी थर्ड एम्पायर का डिसीजन नॉट आउट आया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि साफ साफ लग रहा है कि गेंद ग्लव्स को छुई है और ये आउट है, लेकिन थर्ड एम्पायर ने जैसे ही उसे नॉट आउट दिया वैसे ही केएल राहुल बीच मैदान में भड़कते हुए नजर आए। मैच के बाद भी उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया। केएल राहुल उसके बाद एम्पायर के पास गए और अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन थर्ड एम्पायर के डिसीजन आने के बाद इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता और केएल राहुल अपना गुस्सा बीच मैदान में साफ दिखाते दिखे। उनका ये गुस्सा जायज भी था। आपके हिसाब से ये आउट था या नॉट आउट, हमें कमेंट बॉक्स में राय देना बिल्कुल ना भूलें।